गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक अपने जो इनविटेशन था उसका फर्स्ट पार्ट फॉर्मल इनविटेशन, उसका एक्सेप्टिंग रिप्लाईज किया था, क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको जो क्वेश्चन देते हैं वो रिप्लाईज के आएंगे इनविटेशन पे। तो हमने इनविटेशन के जो रिप्लाईज हैं उनके एक्सेप्टिंग रिप्लाईज उसका एग्जाम्पल किया था। आज हम करेंगे डिक्लाइनिंग का। तो जैसे एक्सेप्टिंग में था वैसे ही इसका भी फॉर्मेट बनेगा, आपको उसी फॉर्मेट से चलना पड़ेगा। यहां पर सबसे पहले जो इनविटेशन का रिप्लाई देता है उसका नाम, फिर थैंक या थैंक्स जैसा लिख रहे थे, फिर जो इनविटेशन वापस दे रहा है जिसको दिया जा रहा है उसका नाम, फिर फॉर इनवाइटिंग टू अटेंड एन ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ ऑन एट फील या फील्स ग्रेट प्लेजर अब जो आप लिख रहे थे एक्सेप्टिंग, उस एक्सेप्टिंग की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ही फील्स ग्रेट प्लेजर। अब ग्रेट प्लेजर यहां लिख रहे थे ना, अब ग्रेट प्लेजर या वेरी सॉरी, क्योंकि आप जा नहीं पा रहे हो, तो ही फील्स वेरी सॉरी Expressing the inability to attend the function due to और कोई भी यहाँ पर कारण आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा इसे। तो इसमें यहाँ पर आपको देखना है, इतना लिखने के बाद में और क्या लिखेंगे करेंगे, इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। ये फॉर्मेट है, ये एक प्रारूप है, जैसा हमने एक्सेप्टिंग का किया था ना कि जब आप जा पा रहे हो, तो अब नहीं जा पा रहे हो तो क्या हो गया, यहाँ पर जो लास्ट लाइन है उसमें ही या सी फील्स या दे फील वेरी सॉरी, उनको बहुत दुख महसूस हो रहा है। एक्सप्रेसिंग द इनेबिलिटी, जो असक्षमता उसको व्यक्त करते हुए, टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन में ड्यू टू, अब किसके कारण, यह आपको कारण देना है। तो इस तरीके से आपको इसे फॉर्मेट को फॉलो करके लिखना होगा। अब बात आती है इसका क्वेश्चन कैसे आता है और इसे हम कैसे लिखेंगे। तो इसके क्वेश्चन को देखिए, राइट एंड राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनेबिलिटी टू अटेंड द बर्थडे ऑफ योर फ्रेंड अरुण नेक्स्ट वीक। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, आपको एक फॉर्मल रिप्लाई देना है एक्सप्रेसिंग योर इनेबिलिटी, अपनी जो इनेबिलिटी अक्षमता उसको व्यक्त करते हुए बर्थडे पर अटेंड होने के लिए, और आपका जो फ्रेंड है अरुण उसका वो बर्थडे है नेक्स्ट वीक, तो उस पर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए आप अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए और एक रिप्लाई लिखिए। तो सबसे पहले आपका नाम, तो आप मिस्टर अश्विन दिया हुआ नहीं है, हम अपनी ओर से ही लिख रहे हैं। फिर थैंक्स किसको, मिस्टर अरुण, अरुण को ही दे रहे हो ना,
मिस्टर अरुण फॉर इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द ऑस्पिशियस टू अटेंड द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे ऑन मंडे 5th July 2021 एट हिज रेजिडेंस। ही फील्स वेरी सॉरी एक्सप्रेसिंग द इनेबिलिटी एक्सप्रेसिंग द इनेबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क ऑफ पीस एट होम। बेस्ट विशेज फॉर बर्थडे। अब देखिए इतना लिखने के बाद में पूरा हो गया कंप्लीट, तब हमें क्या करना होगा, इसे बॉक्स में बंद करना होगा। हो गया, अब क्या लिखा है, एक्सेप्ट करो चाहे डिक्लाइन करो। आपको फर्स्ट जो सेंटेंस है कि कौन धन्यवाद देगा, जिसको इनविटेशन मिला है आप इनविटेशन का रिप्लाई लिख रहे हो, किसे, अरुण को, ये क्वेश्चन में था। फॉर इनवाइटिंग हिम, ये ऑब्जेक्ट किसके अनुसार आता है, इसके अनुसार जैसा कि हमने डिस्कस किया था। टू अटेंड द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, ओकेजन क्या था उसकी, बर्थडे पार्टी का, कब है क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आपने मेंशन किया है कि मंडे 5th जुलाई को है और कहां पर है, एट हिज रेजिडेंस, उसके निवास स्थान पे है। ही फील्स वेरी सॉरी, अब जब नहीं जा पा रहे हो ना तब क्या आएगा, ही फील्स वेरी सॉरी, उसे बहुत दुख महसूस हो रहा है। एक्सप्रेसिंग द इनेबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, इस फंक्शन में शामिल होने की असमर्थता को व्यक्त करते हुए। ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क ऑफ पीस, एक जरूरी काम की वजह से एट होम, घर पे। और फिर जब नहीं जा पा रहे हो तो बेस्ट विशेज भी दे दो अगले को, क्योंकि आप वहाँ पहुँच नहीं रहे हो। यदि एक्सेप्टिंग लिखते हो तो बेस्ट विशेज नहीं लिखते, क्योंकि आप जाके ही बेस्ट विशेज उसे बोल देंगे। तो इस तरीके से ये डिफरेंस होगा एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग का। एक्सेप्ट करोगे तो जो हमने कल फॉर्मेट लिखा था उस फॉर्मेट को फॉलो करके एक्सेप्टिंग का रिप्लाई लिखना है। और यदि आप नहीं जा पा रहे हो, आपको इनविटेशन मिला और उसमें आप इंक्लूड नहीं हो पा रहे हो, शामिल नहीं हो पा रहे हो, तो आप क्या करेंगे, इस डिक्लाइनिंग का लिखेंगे। और डिक्लाइनिंग को लिखने के लिए इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो ये है इन्विटेशन के, फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई। अब ये एक डिक्लाइनिंग रिप्लाई था, आप जब नहीं जा पा रहे हो तो फॉर्मल का एक्सेप्टिंग हो गया, फॉर्मल का डिक्लाइनिंग हो गया। जब नहीं जाओगे एक्सेप्टिंग रिप्लाई हो गए, जब आप जाओगे फंक्शन में, इंक्लूड होगे, ज्वाइन करोगे फंक्शन को, तो आप एक्सेप्टिंग लिखोगे। नहीं जा पा रहे हो तो आप डिक्लाइनिंग लिखोगे, आप उसको एक्सप्रेसिंग सॉरी मीन्स आप दुख व्यक्त करते हुए लिखेंगे कि किसी कारण से वो नहीं पहुँच रहा है। अब इन दोनों में आपने देखा है कि फॉर्मल इनविटेशन है, उनकी सबसे बड़ी जो विशेषता होती है, सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इनको थर्ड पर्सन में ही लिखा जाता है। हमेशा कौन से पर्सन में लिखा जाता है, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, मीन्स ही, सी, दे, इट, इनका ही यूज करके लिखेंगे। इनमें कभी भी फर्स्ट या सेकेंड पर्सन यूज नहीं होगा, इनमें सेकंड या फर्स्ट पर्सन यूज नहीं होगा, इसे विशेष ध्यान रखेंगे। और जो डेट है वो कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है, डेट हम नहीं लगाते इनविटेशन लिखने की, इनफॉर्मल में ऐसा लिखा जाता है। ये ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन ही यूज करना है जब फॉर्मल इनविटेशन लिखोगे।
हमने कहीं भी फर्स्ट पर्सन मीन्स आई वी यू इनको कहीं यूज नहीं किया है, ठीक है। बाकी असाइनमेंट में आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।